निलॉस यूनिसेक्स सैलून एंड एकेडमी अपोजिट बदर विद्यालय वैशाली नगर अजमेर इंटरनेशनल वॉचेस कलेक्शन बाय मिनट्स टू स्टाइल मार्टिंडल ब्रिज अजमेर एस्ट्रॉन यूनिसेक्स सैलून कचहरी रोड अजमेर सैलून जो आपको देता है स्टाइल। नक्शे वाटिका में छोटी बहन का रिसेप्शन चल रहा था और 8:30 से 9 बजे के बीच दो बच्चे थे। CCTV फुटेज जो निकलवाया उसके आधार पर बता रहा हूँ कि दो बच्चे थे जिन्होंने मेरी मम्मी का बैग वहाँ कोने वाली चेयर पर रखा था, सबसे आगे वाली रूम में। वहाँ पर उस बैग में कम से कम 20,000 नकदी थी, 3 फ़ोन थे, सोने की लड़ थी, कान की सोने की लड़ का पेयर था, चांदी का ब्रेसलेट था, सोने की लॉन्ग थी, ये सभी चीज़ें लगभग 1,00,000 रुपये की चीज़ें। मीनाक्षी वाटिका है, दोलाबाटा रोड पर। अपने ये कल 11 तारीख में रिसेप्शन था, मुकदमा दर्ज करा दिया था रात को। और कोई CCTV फुटेज? CCTV फुटेज भी मैंने यहाँ सेंड कर दी, लगभग सभी के पास है। और एक्शन भी हुआ, उनको बच्चों को पकड़ लिया, उनका पूरा ग्रुप है, क्योंकि यहाँ की घटना के बाद टोरंटो में फिर घटना हुई है। वो कैसे पकड़ में आए आपसे? ये तो यही बता, नहीं अपन ने नहीं पकड़ा, पुलिस वालों ने पकड़ा। रोहित नाम है मेरा सर। रात के स्वागत के समय मेरे हाथ में पर्स था, हम स्वागत के लिए खड़े हुए थे, तो किसी ने मेरे पर्स के में से चेन खोली और मेरे ऑर्नामेंट्स की थैली रखी हुई थी वो आना निकाली। जैसे निकाली ऐसे मुझे जज हुआ कि लाइट वेट हो गया उसका, तो तुरंत मैंने ना उनको हमारे कमर साहब को छोड़ के और ना रूम में गई, देखा तो थैली गायब थी मेरी। फिर आके हमने ना रिपोर्ट लिखाई। क्या था उसमें? मेरी काफ़ी चीज़ें थी, पैरों की पायल थी, हाथ के कंगन थे, पल का सेट था, चेन थी, अंगूठी थी, बीछे थे सोने के और रिंग थी। करीब कितने का माल था? अप्रॉक्स माल तो उसके हिसाब से नहीं, पर हाँ 16-17 तोले सोना था। कितना था वैसे? कंप्लेंट करी आपने? कंप्लेन लिखा दी थी, ऐसे रात को हम बोल रहे थे पर सुबह लिख दी गई थी, बड़ा नोट कर दी। कुछ फुटेज आए उनके? कुछ फुटेज आए क्या कोई चोरी करते हुए बैग में से? बैग में से हमारे फ़ोटो का, मतलब हमारे फोटोग्राफर ने बताया एक बच्चा पर बैग है उसका, पर्स में से थैली दिख रही है निकलते, पर बच्चे का कोई फ़ोटो नहीं आया उसमें, मतलब उसका बैक पोर्शन दिखाई दे रहा है। फेस कल 11 तारीख की। बारात बिहारीगंज से भजनगंज 9 नंबर पेट्रोल पंप टोरंटो में है। मेरा नाम सुनीता वर्मा है। ऐसे मैं बड़ोड़ा से मतलब बिलोंग करती हूँ, पर अभी मैं वहाँ मेरे भतीजी की शादी में आई हुई थी। मैं अपने थाना क्षेत्र के अंदर 2 मैरिज गार्डन के अंदर बैग लिफ्टिंग की रिपोर्ट हुई थी। ये करीब 8:30 से लेके 9:30 तक ये 2 घटनाएं घटित हुई थी, तो इस पर हमने तुरंत टीम गठित की। हमने CCTV फुटेज देखे, उसमें जो बच्चों के फुटेज वगैरह आए थे, एक लड़का और एक लड़की का, उसके आधार पे हमने बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और भी झुग्गी झोपड़ियाँ हैं जहाँ जहाँ ये डेरे बना के रहते हैं, तो हमने सघन तलाशी शुरू की पूरी टीम ने हमारे। इसमें दातार सिंह, ब्रजलाल, राम नरेश, हमारी पूरी टीम के करीब 15 से 20 सदस्य उपस्थित थे, और इस सघन प्रयास से और CCTV फुटेज की मदद से हमने तुरंत संदिग्ध व्यक्तियों को दबोचा और हमने उनसे पूछताछ की। पूछताछ करने पर उन्होंने ये वारदात करना स्वीकार किया है। सर माल भी बरामद? हाँ, माल भी बरामद के प्रयास जारी हैं और आज उनको रिमांड पर लिया जाएगा। कल उनको अरेस्ट कर लिया था हमने, तीनों मुलजिमों को, जिसमें 2 का नाम मंगल सिंह है और तीनों ये सवाईमाधोपुर और कोटा के रहने वाले हैं। इनका जो मॉडस ऑपरेंडी यही होता है कि ये जो शादी समारोह है उसमें अपने बच्चों को तैयार करके उस अच्छी खासी वेशभूषा पहना के, ताकि किसी को डाउट नहीं हो कि ये कोई बाहर के बच्चे हैं, और उनको वहाँ फिर ये टारगेट कर लेते हैं कि जो भी महिला जो उस शादी की मुखिया है तो उसको टारगेट करके जैसे भी वो पर्स नीचे रखती है तो 1 मिनट में उसको गायब कर देते हैं। ये हमने इनको रेलवे स्टेशन के पीछे जो डेरे थे वहाँ से हमने इनको दस्तयाब किया था, और ये जाने की फिराक में थे, ट्रेन लेट होने की वजह से ये जा नहीं पाए, लेकिन हमने बहुत तीव्र गति से कार्रवाई करते हुए और हमने तलाशी ली और इसी के फलस्वरूप और ये संभव हो पाया। शिकायत करता कौन? शिकायत करता एक तो सुनीता वर्मा है,
जिनके टोरंटो मैरिज प्लेस में शादी थी, उनकी भतीजी की शादी थी और काफ़ी गहने वगैरह डाले थे, तो उनका पर्स चोरी हुआ था। और इसके अलावा एक रोहित है जिनका मीनाक्षी वाटिका है, वहाँ से बैग लिफ्टिंग हुआ था। अजमेर में पहली वारदात ये इनकी या पहले भी करते थे अजमेर? अब ने कल अरेस्ट किया, आज इनका पुलिस रिमांड लेके इनसे सघन पूछताछ करेंगे और संभावना है कि काफ़ी वारदात खुलने की है।